आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए एग्जाम टिप्स। जी हाँ फ्रेंड्स, दिसंबर एग्जामिनेशन 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, सो आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए इफ यू वॉन्ट टू अचीव एक्सेलेंस इन योर एग्जाम। सो फ्रेंड्स, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 एग्जाम टिप्स, जिनको फॉलो कर बहुत से स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन में एक्सेलेंस पा चुके हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज स्कोर कर चुके हैं। अगर आप भी बहुत अच्छी परसेंटेज अपने एग्जामिनेशन में स्कोर करना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन ऑन, सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। सो चलिए बात करते हैं इग्नू एग्जामिनेशन टिप्स की 10 इंपॉर्टेंट टिप्स, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इग्नू से प्रोग्राम कर रहे हैं तो या तो आप ODL मोड से प्रोग्राम कर रहे हैं या ऑनलाइन प्रोग्राम से, जैसा कि इग्नू एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना है, अंडरस्टैंड दिस सिलेबस। आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन से यूनिट्स आने वाले हैं, कौन से ब्लॉक्स आने वाले हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए आपके कोर्स कोड के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है, उसके बाद आपको अपनी स्टडीज को स्टार्ट करना है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस, अगर आप रैंडम अपने चैप्टर्स को पढ़ते चले जाएंगे तो आप उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ब्लॉक होते हैं फ्रेंड्स, उसमें यूनिट होती है तो वो कनेक्टेड होती है। तो आप अपने कंटेंट को समझ कर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को समझना होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि इग्नू एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है तो उसमें आपको जो वीडियोज होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इग्नू में ऐसे रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, आप लेक्चरर से या फिर टीचर से इतने कनेक्टेड नहीं होते, आपको कुछ अपडेट्स आपके मोबाइल पर भेज दी जाती हैं और आपको कोई क्वेरी होती है तो आप अपने स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर जाकर सॉल्व करा सकते हैं। बट एक स्टूडेंट को रेगुलर स्टडी करनी पड़ती है, जैसा कि आप इग्नू में कोई भी प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, बी इट डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा और पीजी सर्टिफिकेट, सभी टिप्स आप सभी प्रोग्राम्स के साथ फॉलो कर सकते हैं एंड आई एम श्योर कि आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में एक्सेलेंस मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें आपको कंटेंट एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आपको सिलेबस समझने में प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर भी आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको कंटेंट समझने में बहुत ही आसानी कर देती है। फ्रेंड्स, अगर थर्ड टिप की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप स्कूल टाइम से ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन्हें स्टडी करते आ रहे हैं। जब हम 12th में थे तभी भी हमारे टीचर्स ने हमें बताया था कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको जरूर गो थ्रू करें, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझ पाएं, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कितने समय में आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो ये सभी चीजें आपको पता चल जाती है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से, जो इग्नू की वेबसाइट पर भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। सो इग्नू में 2 टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं, दिसंबर एंड जून। सो साल में 2 बार एग्जामिनेशन होने के कारण आपके पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो जाते हैं। सो आप 10 इयर्स ना कर अगर आप 5-6 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी अगर रेडी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी भी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, जो है मेक अ स्टडी स्केड्यूल। आपको अपने लिए एक स्केड्यूल रेडी करना बहुत जरूरी है, आपको टॉपिक्स को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। जब आप सिलेबस को देखें समझेंगे और आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सा टॉपिक अच्छे से आ गया है या मुझे कौन से टॉपिक में और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, तो उसके लिए आपको स्केड्यूल बनाना जरूरी है कि आपको किसको कितना समय देना है। अगर आप एक इजी टॉपिक में अपना समय ज्यादा वेस्ट कर देंगे और डिफिकल्ट टॉपिक के लिए आपके लिए समय नहीं बचेगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक नोट्स। फ्रेंड्स, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप किसी भी हेल्प बुक से स्टडी कीजिए, आप इग्नू की बुक से स्टडी कीजिए या आप किसी भी रेफरेंस से स्टडी कीजिए, बट आप अपने पर्सनल नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब एक स्टूडेंट अपने पर्सनल नोट्स बनाता है तो उसको बहुत आसानी हो जाती है चैप्टर्स को समझने में, और जब आप उन्हें खुद लिखते हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें लर्न भी कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप स्टडी। फ्रेंड्स, ग्रुप स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी करते हैं या किसी और स्टूडेंट के साथ स्टडी करते हैं तो का इंटरेस्ट भी होता है, जब आप अकेले पढ़ते हैं वो आपको थोड़ा बोर्डम की तरफ ले जाता है, बट जब आप एक ग्रुप में स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट
पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। आप अपना समय जरूर मैनेज करें कि आपको स्टडीज को इतना समय देना ही देना है, जैसे कि आप ओडीएल मोड या ऑनलाइन मोड से अपनी स्टडीज इग्नू से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आपका बिजी स्केड्यूल रहता होगा जिसमें आप पूरे दिन बिजी हो सकते हैं, आप टायर्ड फील कर सकते हैं, तो बट आप मेक श्योर करें कि मुझे इतना समय अपनी स्टडीज को देना ही है। तो इस तरह से आप अपना टाइम जरूर मैनेज करें और बिल्कुल डिटरमाइंड रहकर आप स्टडीज करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे परसेंटेज स्कोर करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज रिवीजन। अगर आप किसी भी चैप्टर्स को या फिर यूनिट्स को रिवाइज नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आप उन्हें एग्जामिनेशन तक भूल सकते हैं। तो आप जो भी स्टडी करते हैं आप मेक श्योर करें कि आप अपने टाइम टेबल में रिवीजन का भी जरूर एक थोड़ा पार्ट रखें, जिसमें आप अपना पढ़ा हुआ टॉपिक, अपने पढ़े हुए ब्लॉक्स, यूनिट्स, जो भी आपने स्टडी किया है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो वो आप उसमें रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगी जो है हेल्दी लाइफस्टाइल। सो हेल्दी लाइफस्टाइल को बहुत से स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट फ्रेंड्स लेट मी टेल यू इट्स इंपॉर्टेंस। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ आपने किया, सारी लर्निंग हो गई, सब क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हो गए, प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हो गए, सब कुछ रेडी है, बट आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रही। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत अच्छा फील हो। सो इसीलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अभी से फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। कुछ योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कुछ भी आप अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आपको जरूर एनर्जेटिक भी फील होगा। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट इज मॉक टेस्ट। जब आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं और चैप्टर्स को गो थ्रू करते हैं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर परफॉर्म कीजिए। आप सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं, उसके लिए कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, या मॉक टेस्ट आप अपने लिए भी रेडी कर सकते हैं खुद से, जिसमें आप लिख सकते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर्स फिर आप लिख सकते हैं। सो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, जिसमें आपको अपने एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखने की स्पीड पता चलेगी, पैटर्न पता चलेगा, आपको किस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, कहां पर आपको फ्लो चार्ट बनाना है, कितना मार्जिन आपको छोड़ना है, किस तरह से आपको आंसर लिखना है, किस तरह से एग्जामिनेशन में टाइम मैनेज करना है। ये मॉक टेस्ट के सभी हिडन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो अगर आप दिसंबर 2023 डोमेन एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हैं, सो ये 10 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।